नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि विवाह के योग नहीं बन रहे, या फिर बात होती है और टूट जाती है, या फिर बहुत डिले हो गया है, या फिर लड़की मिल ही नहीं रही या लड़का मिल ही नहीं रहा। तो विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार छोटे छोटे उपाय करके विवाह संबंधी परेशानियों का आप सामना जो है वो समाप्ति कर सकते हैं। अब सबसे पहला उपाय, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विवाह की जब भी बात की जाती है तो गुरु और शुक्र, यानी कि लड़की की कुंडली में विवाह का कारक गुरु को माना जाता है और लड़के की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र को माना जाता है। तो जब भी विवाह की बात आए तो आपको गुरु और शुक्र से जुड़े हुए उपाय करने हैं। ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया जा रहा है। जिन भी कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या परेशानी आ रही है तो ये उपाय कर सकती हैं। सबसे पहला उपाय, गुरुवार के दिन आपने आधा चम्मच हल्दी लेनी है। जी हाँ, जिस भी बाल्टी से या जिस भी बर्तन से आप नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में आपने आधा चम्मच जो हल्दी है वो उस पानी में डालनी है और लास्ट का पानी वो यूज़ करना है नहाने के लिए। ये येलो कलर की एनर्जी और हल्दी की एनर्जी आपके जैसे ही सिर से डलेगी तो आपके ऊपर गुरु का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा और इससे आपके जो भी विवाह के रोक लगी हुई है वो खत्म होगी और विवाह के संयोग शीघ्र ही बनते हुए दिखाई देंगे। ये तो है कि यदि आपका गुरु कमजोर है तब आप ये उपाय करें। दूसरा उपाय, बात होती ही नहीं है, बात कहीं चल ही नहीं रही, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आपने लेना है एक ताला। जी हाँ, एक ताला, और ताले को हमने करना है बंद। ताले का लॉक लगा दीजिए और चाबी उसके साथ ही बांध दीजिए। दोनों को लेकर आपने शनिवार को ये ताला किसी भी जाकर चौराहे पर रख देना है। ताला और चाबी दोनों साथ में होनी चाहिए और ताला लॉक होना चाहिए। जैसे ही वहां से कोई उस ताले में वो चाबी लगाकर उसको खोलेगा तो आपके बंद रास्ते उसी समय चारों दिशाओं में खुल जाएंगे। ये बड़ा ही कारगर उपाय है और इसको करने से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। जब ताला रखेंगे अपने मन में ये मनोकामना करें कि मेरे विवाह के जो भी रास्ते बंद हैं उन्हें इस ताले के साथ ही खोल दिया जाए। अगला उपाय, गुरुवार के दिन आप सुबह हल्दी, गुड़, चने की दाल और साथ ही साथ शहद और अगर संभव हो तो बेसन का लड्डू, ये पांच चीजें ले जाकर आपने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। जी हाँ, अगर आपकी शक्ति है और आप रख सकते हैं तो आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। यदि वो संभव नहीं है तो सीधे ही आप गुरुवार के दिन इन सामग्री के साथ भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और उसके बाद में ये जो प्रसाद है ये आपने थोड़ा सा लेना है और शाम को व्रत के समय, और यदि आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास में उस समय लड्डू अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ये प्रसाद आप छोटी कंजकाओं में बांट सकते हैं और स्वयं भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को आपने अपने घर के अलावा घर में लाने के बाद किसी और को नहीं देना है, बस छोटे बच्चों को बांटना है और अपने घर परिवार में आपने इस प्रसाद को खाना है। अगला उपाय, जितना अधिक हो सके उतना पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपके कमरे में बेडशीट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो हम एक तिहाई हिस्सा अपने पूरे दिन का सोने में व्यतीत करते हैं, तो बेडशीट पे आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे अधिक समय के लिए रहते हैं, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो अक्सर लोग बेड पे या सोफे पर भी ही बैठकर अपना सारा काम करते हैं, तो उस समय में येलो कलर जितना अधिक हो वो आपके आसपास होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी से आपकी कुंडली से गुरु एक्टिव होगा और आपके गुरु के तत्व बढ़ने से आपके विवाह के योग भी
बनते हुए दिखाई देंगे। अगला उपाय, हल्दी की साबुत गांठे। जी हाँ, 5 हल्दी की गांठे लीजिए, उनको लाल रंग की मोली बांधिए, हर एक गांठ में अलग अलग। वो गांठे आपने जाकर भगवान विष्णु के आगे रखनी है, और वो जो विष्णु भगवान के आगे रखनी है उसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों का ही स्वरूप होना चाहिए। और ये मनोकामना करनी है कि जिस प्रकार से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या आपकी जोड़ी बनी हुई है, उस प्रकार से मेरे भी जीवन में विवाह के योग बने। 5 गांठ में से 2 गांठ आपको लेकर आनी है और 3 वहीं छोड़ देनी है। वो 2 गांठ लाकर आपको अपने घर के किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देनी है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में रख सके तो सोने पे सुहागा है। जैसे ही आपकी विवाह की बात चले तो पहली बार आपने जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, और दूसरी बार पहली गांठ आपने मंदिर में जाकर रख देनी है, और दूसरी बार जब आपकी शादी होगी तब वो दूसरी गांठ, क्योंकि कुछ समय के बाद जो हल्दी की गांठ होगी वो सूखना आरंभ कर देगी, तो घबराए नहीं, वो सूख जाती है, वो छोटी हो जाती है, उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं रखे रहने दीजिए। जैसे ही विवाह की बात आपकी शुरू होगी या फिर विवाह की तिथि आपकी होगी, फिर वो गांठ ले जाकर आपने भगवान विष्णु के आगे समर्पित कर देनी है, और ये कहना है कि जब मेरा विवाह हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको भोग लगाऊंगी। ये उपाय आपने ध्यान से करना है। 5 गांठ रखनी है, 3 वहीं रखनी है, 2 साथ लेकर आनी है पहली विवाह की बातचीत यानी पक्का होने पर, और दूसरी गांठ जिस दिन आपका विवाह हो या विवाह से 1-2 दिन पहले आपको मंदिर में रख कर आनी है, और उस समय प्रसाद के लिए आपको बोल कर आना है, और विवाह उपरांत आपको प्रसाद अवश्य चढ़ाना है। जी हाँ, ये कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए, अगर इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी विवाह की अगर कोई समस्या आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी और आपका विवाह जल्दी ही हो जाएगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, कुछ ऐसे उपाय जो वास्तव में हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और हमें समाधान नहीं मिल रहा है, किस प्रकार अपनी दैनिक दिनचर्या को बदल कर हम उपायों के रूप में कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनसे बहुत ही अच्छे ज्योतिषीय फल ले सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगी। कमेंट जरूर करते रहिए, नंबर पर दिए हुए फ़ोन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।